हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस 6 इनटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इनटू एक्स माइनस 1 इनटू वाई माइनस 2 माइनस 4 इनटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन, चार ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ये जो हमें पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, इसके सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पेयर ऑफ लाइन है एक्स माइनस 6 इनटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इनटू एक्स माइनस 1 इनटू वाई माइनस 2 माइनस का 4 इनटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, 3x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 को एड एंड सेपरेट कर देंगे। ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस का आएगा 3x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2। एड करेंगे तो 5 और 3 कितना आएगा, 8 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 और माइनस का है 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे हम 3x माइनस 1 को, क्या बचेगा अंदर, 2x माइनस 1 माइनस का y माइनस 2 बचेगा। फिर नेक्स्ट में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट हमारा कॉमन आ जाएगा 4y माइनस 2, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 और माइनस का आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। 2x माइनस 1 माइनस y माइनस 2 दोनों में से फिर से कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 1 माइनस y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 1 प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या आएगा 2x माइनस y माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3x प्लस 4y माइनस 3 यहाँ से और माइनस 8 यहाँ से, तो माइनस का 11 इक्वल टू 0। ये हमारी सेपरेट इक्वेशन आ गई। सो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 2x minus y into 3x plus 4y minus 11 equal to 0, option C match हो रहा है, option C is the correct option, hope you understood it well, best of luck, thank you।